गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम प्लांट किंगडम के अंदर जो टॉपिक स्टडी करेंगे उसका नाम होगा टेडोफाइटा। टेडोफाइट्स, टेडोफाइट के हैं फर्स्ट टेरेस्ट्रियल वैस्कुलर प्लांट्स हैं। वैस्कुलर प्लांट्स मीन्स जिनमें वैस्कुलर बंडल्स जाइलम और फ्लोएम या वैस्कुलर टिश्यू जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। जाइलम की में जो चार प्रकार की जो सेल्स होती है, वेसल्स, ट्रेकिड्स, जाइलम पेरेन्काइमा और फाइबर्स, उसी तरह से फ्लोएम में भी चार प्रकार जो डेवलप्ड जो जाइलम होता है चार प्रकार की सेल्स होती हैं, कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब, फ्लोएम फाइबर्स और फ्लोएम पेरेन्काइमा। बट टेडोफाइटा के जाइलम में वेसल्स अब्सेंट होती है, वेसल्स लेस जाइलम होता है, मीन्स वेसल्स नहीं पाई जाती वाहिका, और इनके फ्लोएम में कंपेनियन सेल जो सहायक कोशिका होती है वो भी नहीं पाई जाती। ठीक है, ये इनके बदले ही जाइलम में वैस्कुलर बंडल्स हैं, जाइलम फ्लोएम है, बट जाइलम में वेसल्स नहीं है, वेसल्स नहीं है और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। वैस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं कूल और डैम्प सैडी में, छायादार ठंडे स्थानों पे, डैम्प जमीन पे होगी जहां पे नीचे जमीन पे पाए जाएंगे, और सैंडी प्लेसेस पे भी पाए जाते हैं, कहीं रेत में भी ये पाए जाते हैं। स्टील की शुरुआत यहां से, स्टील का संबंध सीधा वैस्कुलर बंडल से, एंडोडर्मिस के अंदर के पार्ट हम जनरली स्टील बोलते हैं, तो स्टीलर थ्योरी भी जब हुई थी इससे शुरू हुई थी। टेडोफाइट्स में देखने को मिलती है अलग अलग टाइप के स्टील हमको देखने मिलते हैं, किस तरह से जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट है, और उसके बाद हायर प्लांट्स में उनकी स्टडी करते हैं। सीड हैबिट इन प्लांट्स में पाए जाते हैं, सीड नहीं है बट सीड हैबिट है। सीड हैबिट क्या होती है, जो मेगास्पोर है जिनके अंदर जो मेगास्पोर है, जो एग है, फीमेल गैमेट है, वो वहीं पर रह रहा है और मेल गैमेट उसको फ्यूज करने के लिए वहां पे जा रहा है, वहीं से वो क्या करेगा, जायगोट का रेस्टोरेशन ऑफ एग या मेगास्पोर। मेगास्पोर एक जगह पर मेल गैमेट उसकी तरफ जा रहा है, तो सीड फिर वहां से वो जायगोट बनके वो डेवलपमेंट करेगा नए स्पोरोफाइट। सीड है नहीं है पर सीड हैबिट शुरू हो रही है। हेट्रोस्पोरी टेडोफाइटा में हेट्रोस्पोरी है, दो प्रकार के स्पोर भी किनिकिनी टेडोफाइट में पाए जाते हैं। हेट्रोस्पोरी जब हम जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की बात करेंगे तो उनमें जो डिस्टिंक्ट मेल और फीमेल पार्ट अलग अलग हैं, और मेल स्पोर और फीमेल स्पोर अलग अलग पाए जाते हैं। माइक्रो स्पोर मेल को बोलते हैं, मेगा स्पोर फीमेल को बोलते हैं। यहाँ पे टेडोफाइट में भी कहीं कहीं पे दो प्रकार के स्पोर पाए जाते हैं, और स्पोरोफाइट है बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पोरोफाइट है मीन्स टू एन है, मेन प्लांट बॉडी इनकी स्पोरोफाइट है, डिप्लॉइड है, मीन्स मेन प्लांट बॉडी मियोसिस के बाद स्पोर देगी, और जो गैमेटोफाइट होता है, इनके गैमेटोफाइट को हम प्रोथैलस बोलते हैं, वो इन पे आंशिक स्पोरोफाइट पे आंशिक रूप से डिपेंडेंट होता है, कौन इनका गैमेटोफाइट। तो आज हमने एल्गी और हमने ब्रायोफाइट जो पढ़े थे, एल्गी और ब्रायोफाइट क्या थे, गैमेटोफाइट थे, और जो टेडोफाइट है वो क्या है, स्पोरोफाइट है। तो दो टाइप के हमारे पास टेडोफाइट होते हैं, होमोस्पोरस, ज्यादातर टेडोफाइट के होमोस्पोरस है, जो एक ही टाइप के स्पोर बनाएगा और उसी स्पोर से मियोसिस द्वारा स्पोर बनाएगा, उसी स्पोर से जो है डेवलपमेंट होगा किसका, प्रोथेलस का, और उस प्रोथेलस में एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया बनेंगे, वो एंथ्रीडिया आर्चिगोनिया मेल गैमेट बनाएगा, आर्चिगोनिया फीमेल गैमेट बनाएगा, वो फ्यूज करेगा फीमेल गैमेट, और इस जो उसके बाद जायगोट बनेगा वो जायगोट डेवलपमेंट करके नए स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करेगा, निर्माण करेगा, विकास करेगा। मीन्स मेन जो डोमिनेंट जो प्लांट बॉडी है इनकी क्या है, स्पोरोफाइट है, डिप्लॉइड है। एल्गी और ब्रायोफाइट क्या थे, गैमेटोफाइट थे। इनकी मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, स्टार्टिंग में स्पोर देंगे। छोटे बच्चे फर्न की लीफ को या डायप्टेरिस की लीफ को, छोटे छोटे जो फंस होते हैं फंस की लीफ को अपने हाथों पे, कई टाइप के फंस होते हैं, अपने हाथों पे लगा देते हैं पीछे से, जो स्पोर वेयरिंग लीफ होती है स्पोरोफिल, और इस तरह से जैसे कि उस पर मेहंदी, एक व्हाइट व्हाइट स्पोर्स लग जाते थे, हमारे छापा पड़ जाता लीफ का, तो बच्चे क्या थे मेहंदी की तरह लगाते थे कि मेहंदी लग गई थोड़े समय के लिए। तो वही वो जो पाउडर है वो स्पोर्स है, वो जो लीफ है वो स्पोरोफिल है, ऐसी लीफ जो स्पोर बियर करी उसको स्पोरोफिल बोलेंगे, उसमें स्पोरेंजिया होंगे जो स्पोर बनाएंगे। ठीक है, दो टाइप के जिनमें अलग अलग टाइप के स्पोर बनेंगे वो हेटरोस्पोरस जो टेडोफाइट होते हैं, एग्जाम्पल के लिए सिलेजिनेला है, साल्विनिया है, तो उनमें दो प्रकार की लीफ होती है, एक माइक्रोस्पोरोफिल एक मेगास्पोरोफिल। ऐसे लीफ जो माइक्रोस्पोरेंजिया रखेगी, माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट करेगी, वो माइक्रोस्पोरोफिल होगी, और जो लीफ मेगास्पोर
या जिसके बाद फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा उसके बाद उसका डेवलपमेंट करेगी उस स्पोर के बाद, वो क्या होगी, मेगा स्पोरोफिल। अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें तो ये एक होमोस्पोरस ड्राइप्टेरस फर्न, हम इसको कह सकते हैं होमोस्पोरस टेरोफाइट है। इसमें जो लीफ होगी स्पोर बेरिंग लीफ उसको हम स्पोरोफिल बोलेंगे। उस स्पोरोफिल के अंदर स्पोरेंजिया होंगे, उस उन स्पोरेंजिया में मियोसिस द्वारा स्पोर मदर सेल में मियोसिस द्वारा क्या बनेगा, स्पोर बनेगा। वो स्पोर ये स्पोर क्या हो चुका है, हैप्लॉइड हो चुका है। ये हैप्लॉइड स्पोर डेवलपमेंट करेगा, किसका डेवलपमेंट करेगा, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट करेगा, विकास करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोथेलस बोलते हैं। हैप्लॉइड गैमेटोफाइट को क्या बोलेंगे, प्रोथेलस बोलेंगे। इस प्रोथेलस में मेल और फीमेल गैमेट बनेंगे, एंथ्रीडर आर्चिगोनिस है, वो जायगोट बनाएंगे फ्यूजन द्वारा, फर्टिलाइजेशन द्वारा, वो जायगोट डेवलपमेंट करके नया क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करेगा। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो साइलोप्सिडा चार ग्रुप है, साइलोप्सिडा में एग्जांपल साइलोटम, लाइकोप्सिडा सिलेजिनल लाइकोपोडियम, स्पिनोप्सिडा इक्विशिटम और टेरोप्सिडा ड्राइप्टेरिस टेरिट या एडियंटम इसके एग्जांपल है। ये इक्विशिटम हॉर्स टेल जिसको हम बोल रहे। तो आज हमने टेरोफाइटा जो फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स हैं टेरेस्ट्रियल उनके बारे में पढ़ा।